दोस्तों आज के टाइम में हर कोई जिम जाकर अपनी अच्छी और तगड़ी बॉडी बनाना चाहता है। हर बिगिनर्स जिम जाकर अपनी अपर बॉडी को ही टोन करना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी मस्कुलर चेस्ट हो, वी शेप की बैक हो, मजबूत बाइसेप्स हो और चौड़े कंधे हो, लेकिन वो अपनी लोअर बॉडी की तरफ बहुत कम ध्यान देता है। लोअर बॉडी मतलब लेग्स मसल्स। लेग्स मसल्स से इंसान की स्ट्रेंथ बढ़ती है और ये दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। अब चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, एथलीट हो या कोई स्टंटमैन हो, सभी जो इतने खतरनाक स्टंट करते हैं या हैवी वेट उठाते हैं, उन सभी के मजबूत लेग्स का काफ़ी अहम रोल होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप भी अपने लेग्स वर्कआउट पर ध्यान दें ताकि आप भी इस मसल्स को टोन कर पाएँ। आज मैं आपको 5 लेग्स एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनसे आप अपने इस मसल को डेवलप कर पाएंगे। लोअर बॉडी के सबसे बड़े मसल्स पर पैर के होते हैं। इससे 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स बनाने वाले मसल्स शरीर के सभी मसल्स में सबसे मजबूत और पतले होते हैं। जांघ के सामने के ये 4 मसल्स घुटने के प्रमुख एक्सटेंशन के यानी कि पैर को सीधा करने में मदद करते हैं। नंबर 2 हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग में जांघ के पीछे के 3 मसल्स आते हैं जो हिप्स और घुटने के मूवमेंट को प्रभावित करती है। ये हिप बोन के पीछे गुलटक्स मैक्सिस मसल में शुरू होते हैं और घुटने पर टीबिया से जुड़े होते हैं। नंबर 3 काफ। काफ मसल्स एंकर पैर और पैर की उंगलियों के मूवमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये तो थे लेग्स के मुख्य भाग। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। नंबर 1 बारबेल स्क्वैट। लेग्स का अच्छा वर्कआउट स्क्वैट से ही शुरू होता है और स्क्वैट पर ही खत्म होता है। हो सकता है आप अधिकतर बिना वेट के ही स्क्वैट लगाते आ रहे हों, लेकिन अब इससे कुछ वेट ऐड करके बारबेल की सहायता से करने पर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके लिए आप अपने पैरों को एक साथ रखें और अपनी एडी को 25 पाउंड की प्लेटों पर रखें। इससे क्वाड्स के बाहरी स्वीक पर अधिक फोकस कर सकते हैं जिससे आपको सही पोजीशन में आने में मदद मिलती है। यदि आप बारबेल के साथ पहली बार ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप कुछ वार्म अप सेट करें। पैर मसल्स को गर्म करने के लिए पहले सेट में हल्के वजन और हाई रेप्स करें, फिर आगे के वर्कआउट के लिए पीठ पर फोटो में दिखाए मुताबिक बारबेल रखते हैं और फिर स्क्वीट लगाते हैं। ध्यान रखें कि धीरे धीरे अपनी क्षमता के मुताबिक ही वेट बढ़ाएं। 12-15 रेप्स के 4 सेट लगाएं। यदि लगे तो किसी पार्टनर से सपोर्ट भी ले सकते हैं। नंबर 2 लंजेस। ये स्क्वैट्स से कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। इसमें आपके कोर्स और कोर मसल्स पर भी आप वर्क करते हैं और अपनी लोअर बॉडी को टोन करते हैं। इसके लिए आप अपने हाथ में डंबल या प्लेट्स पकड़ें और अपने पहले दाहिने पैर को पीछे लेकर जाएं और घुटने को जमीन से टच करते हुए वापस सीधे खड़े हो जाएं। फिर ऐसा ही आपको बाएं पैर के साथ दोहराना है। आप चाहें तो इसे आप वॉक करके भी कर सकते हैं। बस जो पैर आगे बढ़ाएं उसे इतना बैंड करेगी आपके पीछे वाले पैर का घुटना नीचे फ्लोर से टच हो सके। पहले आप इसके 20 रेप्स के 3 सेट लगाएं और फिर क्षमता के मुताबिक बताएं। नंबर 3 लेग एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज के लिए आपको फोटो में दिखाई हुई मशीन का यूज करना है। इस वर्कआउट के आखिर तक आपके पैरों के मसल्स यानी ग्लूटस हैमस्ट्रिंग क्वाड्स पर टेंशन क्रिएट होगा। इसे करने के लिए सीट पर बैठे और फिर फोटो में दिखाए अनुसार वजन को अपने पैरों की सहायता से ऊपर तक लेकर आए। इससे आपके क्वाड्रिसेप्स पर जरा टेंशन क्रिएट होगा। बस ध्यान रखें आपको अपने पैरों को पूरा नीचे और पूरा ऊपर तक लाना है। आपकी स्पीड स्लो होनी चाहिए न कि तेज। इसमें भी आपको धीरे धीरे अपनी क्षमता के मुताबिक वेट बढ़ाना है। 12-15 रेप्स के 4 सेट लगाएं। नंबर 4 लेग प्रेस। इस एक्सरसाइज से बॉडी की पावर और स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसके आपके यदि आपके पास पिन लोडेड लेग प्रेस मशीन है तो आपकी ट्रेनिंग और भी आसान हो सकती है। यदि आपके पास इस तरह की प्रेस मशीन नहीं है तो आप इस एक्सरसाइज को एक रेगुलर प्रेस मशीन पर कर सकते हैं। बस ध्यान रखें वजन जैसे ही नीचे की ओर आए तो उसे 2 सेकंड के लिए होल्ड करें। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सीट पर बैठना है और पैरों को सामने लगी प्लेट्स पर ही सही से जमाना है। पैरों को न ज़्यादा पास रखें और न ज़्यादा दूर। बस ध्यान रखें आपके पूरे पैर प्लेट्स पर ही रखें, पंजों को मशीनों के बाहर न निकालें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पूरे दम के साथ वेट को ऊपर नहीं धकेल पाएंगे। क्षमता के मुताबिक धीरे धीरे वेट बढ़ाएं और एक्सरसाइज के आप 15-20 रेप्स के 4 सेट लगा सकते हैं। नंबर 5 लेग कर्ल। ये एक्सरसाइज लोग लेग एक्सटेंशन से मिलती जुलती ही है। बस अंतर ये है लेग एक्सटेंशन में मेन रूप से क्वाड मसल टोन होता है और इसमें हैमस्ट्रिंग होता है। इस एक्सरसाइज करने के लिए आपको फोटो में दिखाई हुई मशीन की सीट पर बैठना है और फिर
पैरों से वजन को होमस्ट्रिंग या फिर अंदर की तरफ खींचना है ताकि आपके होमस्ट्रिंग मसल्स पर टेंशन क्रिएट हो। फिर धीरे धीरे वजन को नीचे की ओर छोड़ना है। ध्यान रहे इसमें एकदम झटके से वजन न उठाएं वरना आपके घुटनों में चोट लग सकती है। इसके 15 और 12 रेप्स के 4 सेट ले आएं और क्षमता के मुताबिक वजन बढ़ाए जाए। इसके अलावा आप सिंपल स्क्वाट्स, हैक स्क्वाट्स आदि भी अपने ट्रेनर की सलाह के मुताबिक कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें क्योंकि वो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको सही एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।